हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों के अंदर अनेकों व्रत के विधान हैं और उसमें पयोव्रत का विधान श्रीमद् भागवत के अंदर आता है। आप ये मान के चलें कि सुयोग्य संतान की प्राप्ति के लिए, खासकर पुत्र प्राप्ति के लिए, पयोव्रत के विधान का वर्णन आता है। और उसमें भी यह व्रत कैसे करते हैं, कब करना चाहिए, इसका सविस्तार वर्णन है। क्योंकि यह फाल्गुन का यह महीना है, तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेके द्वादशी पर्यंत यह व्रत किया जाता है। आप इस व्रत को करें और व्रत का जो उसकी कथा है उसको श्रवण का भी इसमें विशेष लाभ है। खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनके बच्चे होने वाले हैं, उन सबको यह कथा श्रवण करनी चाहिए और इसके महत्व के बारे में समझना चाहिए। देखिए, फाल्गुन प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत यह व्रत किया जाता है। इसमें स्त्रियों को चाहिए कि वह अमृत स्नान करें। अमृत स्नान कैसे करें, आप पंचामृत पंचगव्य आदि से स्नान कर सकते हैं। गंगा आदि नदी में वहां के रेत से, मिट्टी से उसका लेपन करके स्नान करें। खासकर नदी आदि में स्नान करें, जलाशयों में स्नान करें और स्नान के पश्चात पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का दर्शन, उनका पूजन करें, षोडशोपचार विधि, पंचोपचार या जैसे भी आपको व्यवस्था प्राप्त हो पाती है, किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो खुद भी अगर आप उसकी जैसे भी जानकारी रखते हैं, यथावक्ति यथाशक्ति उसके द्वारा पूजन करें और द्वादशी पर्यंत इस व्रत को करें। कुछ खास नियमों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तामसी भोजन से बचना चाहिए, तामसी वार्तालाप से बचना चाहिए, तामसी माहौल से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए और खासकर रक्तप्राधीन या पीत जो परिधान है उनको जो है धारण करना चाहिए। तो पीले वस्त्र पहने या लाल वस्त्र आप जो है पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से द्वादशी पर्यंत इस व्रत को करना चाहिए। अगर आप नियम के साथ इस व्रत को करते हैं, इसकी कथा तो श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक योग्य संतति की प्राप्ति होगी जो आपके यश कीर्ति और वर्चस्व को बढ़ाने वाला होगा और आपके मनोअनुकूल जो है वह संतति प्राप्त आपको होगी। ये छोटा सा व्रत है और आप इसको कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं।